आज हम गूथे हुए रोटी से नाश्ता बनाने वाले हैं। ये रोटी बनाने के लिए हमने आटा को गूंध लिया है और हाफ हम इसमें रोटी बनाएंगे और हाफ से इसमें हम नाश्ता बनाने वाले हैं। सूखा आटा हमने लिया है और इस तरह से हम इसमें ये लगा करके सूखा आटा और अच्छी तरह से हाथ से इस तरह से लोइयां बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आटा छिड़के क्योंकि हल्का सा इसको टाइट रखना है। और वैसे तो रोटी बनाने के लिए नॉर्मल आटा होता है, तो इसको नाश्ते के बनाने के लिए इस तरह से हल्का सा इसमें आटा छिड़केंगे तो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। ये हाफ हम इसको अलग रख देते हैं रोटी बनाने के लिए। वैसे कभी कभी रोटी बनाने के लिए जैसे हम आटा गूंथते हैं तो रोटी बनाने के बाद बच जाता है, उससे भी आप नाश्ता बना सकते हैं। तो ये हम वही आटा का यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने आटा को गूंधा हुआ है। इस तरह से लोई हमने बना लिया है, हाथ से ऐसे बड़ा सा कर लिया है और चकला हमने लिया है। इस पर हम सूखा आटा लगाते हैं और इस तरह से हाथ से फैलाते हैं और इसको बेलन से बेलेंगे। रोटी के जितना ही बेलेंगे उतना ही पतला बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो इस तरह से सूखा आटा लगाते हुए अच्छी तरह से बेल लेते हैं। बड़ा सा ये चकला बड़ा है, इस वजह से बड़ा सा बन चुका है। और ये हम चारों साइड से इसको हम काटेंगे, चौकोर शेप इसको करना है इस तरह से। तो देख रहे हैं ऐसे हमने काट लिया है, ये शेप में चौकोर हो चुका है और ये 1 से 1.5 इंच की दूरी पे इसको हमको काटना है इस तरह से। तो इस तरह से हमने काट लिया है, एक तरफ से देख पा रहे होंगे और दूसरी साइड से इसी तरह से हमको काटना है। तो इस तरह से हम सभी को काट लेते हैं। बहुत आसानी से ये नाश्ता बनाया जा सकता है, कोई भी इसे बना सकता है। एक टुकड़ा हम ऐसे पकड़ते हैं और दो कोन ऐसे दोनों कोन को साइड में इस तरह से चिपकाते हैं और दूसरी साइड से इस तरह से चिपकाएंगे। इस तरह से इसका डिज़ाइन बनाना है और इसके ऊपर सूखा आटा हम लगाते हैं। एक दूसरे से ऐसे चिपकेगा नहीं, तो ऐसे चारों तरफ से सूखा आटा लगा लें। दूसरा भी आपको दिखा रहे हैं, ऐसे दोनों कोन को ऐसे पकड़ना है और दूसरी साइड से दो कोन को इस तरह से ले जाना है और ये भी ऐसे ये चिपकाना है। ऐसे ही सभी को हम बना लेते हैं, बहुत आसान तरीके से ये नाश्ता बन जाता है। डिज़ाइन देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, सभी को हमने ऐसे ही बना लिया है। इधर हमने कढ़ाई में पानी डाल दिया है 1/2 लीटर और 1 चम्मच इसमें ऑयल हमने डाला हुआ है। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड किए हैं। उबाल आने देते हैं पानी में, देख सकते हैं, और इस नाश्ते को इसमें हम डालेंगे। उबाल आने के बाद डालें वरना ये चिपक जाएगा। तो इस तरह से सभी को हम डाल देते हैं और डालने के बाद इसको हम ढककर पकाएंगे। बीच में 1-2 बार इसको चला लें वरना ये नीचे से चिपक सकता है। 10 मिनट हमने इसको पकाया हुआ है और पानी भी काफ़ी कम हो चुका है। आप चाहें तो पानी को और ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन हमको ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, इतना में हमारा पक चुका है। फ्लेम को अभी हमने लो रखा हुआ है और इस तरह से हम चला रहे हैं इसको और ये पक चुका है। इसको छान लेते हैं, पानी से अलग कर लेते हैं, पानी को इसको फेंकेंगे नहीं, उसको भी यूज करना है। तो इसको हम साइड में इस तरह से ठंडा होने देते हैं। एक प्लेट में हमने निकाल लिया है और इस पानी को रख लेते हैं साइड में। ऑयल हमने गरम कर लिया है, इसमें 1 प्याज और 1 मिर्च को इसमें डाल देते हैं कटा हुआ और इसको हम फ्राई कर लेते हैं लाइट ब्राउन होने तक। तो इस तरह से हमारा ये फ्राई हो चुका है और इसमें हम 1 टमाटर डाल देते हैं ग्रेट किया हुआ। तो 1 टमाटर को हमने ग्रेट कर लिया हुआ है तो इसी में हम डाल दे रहे हैं इस तरह से। 1/4 टीस्पून इसमें जीरा काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून ये धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर हमने इसमें डाला हुआ है और इसी के साथ हम चलाते हैं। और ये हमने पास्ता मसाला 1/2 टीस्पून डाला हुआ है, इससे फ्लेवर के लिए हमने डाला हुआ है, जो आपको फ्लेवर पसंद हो डाल सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें नमक डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो इस तरह से हम इसको भून रहे हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, अच्छी तरह से मसाला पक जाएगा। अगर आपको मैगी मसाला पसंद हो तो मैगी मसाला डाल सकते हैं या फिर आप गर्म मसाला भी डाल सकते हैं, जो आपको फ्लेवर पसंद हो। तो इस तरह से हमारा मसाला भून चुका है और इसमें हम बने हुए पास्ता को हम डाल देते हैं इस तरह से और पूरा सभी को मिक्स करेंगे। आटे का पास्ता आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा लगेगा, बच्चों को भी काफ़ी पसंद आएगा। मार्केट वाला बिल्कुल ना दें। और ये जो पानी बचा हुआ है, नमक भी इसमें था तो इसलिए हमने कम नमक डाला हुआ था, इसी में हमने डाल दिया है और पूरा मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट इसको हम पकाएंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर इसके अंदर चला जाएगा और उसको भी हमने नहीं फेंका, जो भी है इसी में हमने सभी को यूज कर लिया है। तो इस तरह से हम ढक देते हैं, 2 से 3 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छा हमारा ये कुक हो चुका है और बिल्कुल ये सर्व करने के लिए रेडी है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल तारानूर कुकिंग को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। आप भी जरूर बनाइए, बहुत पसंद आने वाला है, सभी को बहुत अच्छा लगता है।